बिजली सही तरह ना आने से सूख रही है किसानों की फसल। इलेक्शन के बाद से ही आने लगी थी गांव में बिजली की परेशानी। 24 घंटे में 4 से 5 घंटे आ रही है लाइट। फसल में पानी लगाने के लिए किसान अब भी परेशान है। शिकोहाबाद विधानसभा की बात करें तो गांव आरोज में किसान सही तरह लाइट ना आने की वजह से परेशान है। किसानों का कहना है कि 24 घंटे में 4 से 5 घंटे ही लाइट आती है, वह भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जिससे जो फसल है उसमें पानी लगाने में भी काफी परेशानी होती है। इसलिए वह सरकार से गुजारिश करते हैं कि बिजली की समस्या का समाधान किया जाए, इससे किसान फसल में पानी दे सकें और फसल आगे बढ़ सके। ये कौन सा गांव लगता है? आरोन। कौन सी विधानसभा लगती है? मतलब तो यहाँ क्या बिजली की क्या समस्या आ रही है? ऐसी आ रही है, देते ही तो देते ही ना देते ही तो मेरे को ना आ रही। 24 घंटे में कितनी बिजली आती होगी? अब आ जाए तो रात को पूरी रात को चल जाते हैं, आ जाए तो पूरी रात, और दिन को तो कतई आती है ना। तो काफ़ी समस्या आ रही होंगी आपको घर? अब रात को तो सो लो और दिन को बैठी रहो, इन्हें बेटा चार जने कहे जाए तो एक पंखा चला रहे बैठी रहो। पानी का अब समस्या है, सूखे रहे खेत है और गन्या तो खेत खाए लाए। बिजली को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर गांव में और सुगावत में? हम तो गांव में ही रहते हैं, सुगावत में नहीं रहते। 5 घंटे लाइट आती है, आती भी है तो 2-4 दिन बाद आती है, जैसे 5 दिन बाद कल बाद आई है। और समस्या ये है कि फसलें सूख रही हैं, मक्का है, चरी है, और भी फसलें जो बही गई हैं सब बेकार हो गई हैं। शहर में लोग परेशान हैं, लाइट नहीं आ रही, पानी की व्यवस्था गड़बड़ है। इलेक्शन तो चली है, इलेक्शन के बाद तो फिर रात को चलिए घंटा दो घंटा चली ना है, घंटा दो घंटा चलिए और चली ना है। तो अभी फिलहाल बिजली 24 घंटे में कितने घंटे आ रही है? अगर तो मेरे को 4 घंटे 3-4 घंटे आ जाए। चलो